नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। भारतीय त्योहार सामाजिक सहिष्णुता और समरसता के प्रतीक हैं। इन पर्वों के आयोजन पर सभी जाति वर्ग और समाज के लोग आपस में जुड़कर आपसी एकता का संचार करते हैं। कजलिया महापर्व भी इसी परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये उद्गार सामाजिक समरसता संगठन द्वारा वृहद स्तर पर मनाए गए कजलिया महापर्व महोत्सव में संत जनों ने व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में 75 से ज्यादा सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने सहभागिता दर्ज कराई। सामाजिक समरसता संगठन के द्वारा संस्कार धानी जबलपुर में गुरुवार को वृहद स्तर पर कजलिया महोत्सव का आयोजन किया गया। संत जनों की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, प्रबुद्ध जन और व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को कजलियां आदान प्रदान कर पर्व की शुभकामनाएं दी। सब सबको जाने, सब सबको माने के उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है। उसमें जो विभिन्न जाति बिरादरी के आराध्य हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को अपना मार्गदर्शन दिया है, वो सभी को सब माने, सब माने। जीवन में समरसता अनादिकाल से चली आ रही है और यह आज जो कजलियों का पर्व है, यह चातुर्वर्ण माया सृष्टा, चातुर्वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंतज वर्ग को जोड़ने का पर्व है। और यह जो पर्व है जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ाने के साथ साथ हमारे बीच में भाईचारा कैसे बढ़े और एक के दूसरे के प्रति कैसे सहजता और सरलता से लगाव उत्पन्न हो, उसी के कारण यह अनादिकाल से बुंदेलखंड में चलने वाला पर्व आज भी प्रत्येक गांव-गांव में, घर घर में मनाया जा रहा है। तो उसी समरसता और सहजता को हम जीवित करने के लिए यहाँ पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सामाजिक समरसता संगठन के द्वारा जबलपुर में पहली बार कजलिया महोत्सव का बृहद आयोजन कर समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का संदेश दिया गया। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के बाद संस्कार धानी में कजलियों का त्यौहार भी पारंपरिक तौर पर मनाया गया। शहर के प्राचीन तालाब में परंपरा अनुसार कजलियों का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक मेले भी भरे, जहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के बाद कजलिया का त्यौहार भी परंपरा के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को त्यौहार की शुभकामनाएं दी और प्राचीन तालाबों में परंपरा अनुसार माता बहनों ने कजलियों का विसर्जन किया। शहर के प्राचीन हनुमान ताल तालाब में भी माताएं कजलियां विसर्जन करने के लिए पहुंची। माता बहनों ने परंपरा अनुसार कजलियों का विसर्जन किया। में आए हैं खजलियां विसर्जन करने। हम हर साल की तरह रक्षाबंधन में खजलियां मनाते हैं। इस त्यौहार को हम अपने घर में खजलियां बोते हैं और घर में पूजा पाठ करने के बाद हम अपने हनुमान ताल में सराहने के लिए आते हैं। हर साल ऐसे ही रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम खजलियां बोते हैं और हनुमान ताल में विसर्जन करने आते हैं। हर साल हम लोग खजलियां मनाते हैं, हर साल हम लोग उत्साह से मनाते हैं। इस बार भी हमने हर साल की तरह खजलियां बोई हैं, जिसमें हम लोग को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और रक्षाबंधन के बाद ये त्यौहार बड़ी हम लोग हर्ष को उल्लास से मनाते हैं। हनुमान ताल में आके ये पर्व हम मना रहे हैं और हर साल इसी खुशी से हम मनाते हैं रक्षाबंधन के बाद राखी के त्यौहार पे। वहीं लाल माटी चांदमारी तालाब के पास कजलियों का मेला भरा। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए इस मेले का आयोजन हुआ। मेले में कजलिया मिलन समारोह मनाया गया। इस मौके पर परंपरागत शैल नृत्य का आयोजन भी किया गया। मनमोहन नगर स्थित शासकीय हॉस्पिटल के सामने अघोषित रूप से कचरा घर बना दिया गया है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है। इलाज कराने के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। वहीं अस्पताल के पीछे भी कचरे का ढेर लगा हुआ है, जो कि हॉस्पिटल को बीमार कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
मनमोहन नगर स्थित शासकीय चिकित्सालय दुर्दशा का शिकार है। एक तरफ नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर भर के कचरे के लिए हॉस्पिटल के पास डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल से निकलने वाले जैविक कचरे का भी निष्पादन ठीक से नहीं कराया जा रहा है। हॉस्पिटल के पीछे कचरे का ढेर लगा हुआ है जो बदबू फैला रहा है। हॉस्पिटल आने वाले मरीज और उनके परिजन कचरे के ढेर से परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहरहाल दूसरों की बीमारियां दूर करने वाला हॉस्पिटल खुद ही बीमार है। हॉस्पिटल की चौपट सफाई व्यवस्था चर्चा का विषय बनी हुई है। उखरी चौक स्टेट बैंक कॉलोनी के पास साफ सफाई की व्यवस्था चौपट हो गई है। सफाई ना होने से क्षेत्र में कचरे का अंबार लग गया है। ऐसे में लोगों को महामारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। कूड़े के ढेर से आ रही बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शहर की गलियों और सड़कों में कचरों का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के अंबार के कारण महामारी का खतरा बढ़ रहा है। उखरी चौक स्टेट बैंक कॉलोनी मोड पर सफाई ना होने से कंजर्वेंसी में कूड़े का ढेर लग गया है। कूड़े और कचरे के ढेर से आ रही बदबू से जहां लोगों का जीना मुश्किल है, तो वहीं उन्हें महामारी की आशंका सता रही है। लोगों का कहना है कि बीते एक सप्ताह से क्षेत्र की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। स्टेट बैंक कॉलोनी मोड पे यहाँ पे मतलब कंजरवंशी में सफाई नहीं हो रही है। कचरा एक एक हफ्ते कचरा नहीं उठ रहा है। और यहाँ पे हम लोग मतलब दुकानदार आदमी, हम यहाँ बगल में दुकान है, इसमें हम लोग को बीमारी हो रही है। इससे मतलब और खतरा बहुत बीमारी का बढ़ता जा रहा है। डेंगू जैसे डेंगू ऐसी बीमारी हो सकती है। और इसमें मतलब उनको परेशानी, जो कचरा नहीं उठ रहा, बदबू मार रहा है यहाँ पे। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से कूड़ा हटवाने और साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की गुहार लगाई है। गढ़ा गुलगुआ तालाब का पानी दूषित हो जाने से मछलियां मर रही हैं। चौपट सफाई व्यवस्था के कारण तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जिसकी वजह से मछलियां दम तोड़ रही हैं। नाले और तालाब के बीच लगा वाटर फिल्टर प्लांट बिगड़ा पड़ा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को जरा भी चिंता नहीं है। बारिश के सीजन में जब तालाबों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है और तालाब में रहने वाले जीव ग्रोथ करते हैं, लेकिन गुलौवा तालाब में उल्टा हो रहा है। यहां मानसून के सीजन में तालाब का पानी दूषित होकर सड़ांध फैला रहा है एवं तालाब की मछलियां दम तोड़ रही हैं। तालाब से उठने वाली दुर्गंध के कारण यहां वॉकिंग करने आने वालों ने आना बंद कर दिया है। करीब 7 करोड़ रुपए खर्च करके कराया गया सौंदर्यकरण का कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। तालाब के पास तैनात नगर निगम कर्मचारी खुद बता रहे हैं कि नाले और तालाब के बीच लगाया गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लंबे अरसे से बिगड़ा पड़ा है, सुधार कार्य तक नहीं हो पा रहा है। समझने वाले समझ पाएंगे, अपन को इसके बारे में नाले नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन कम हो गया है, पानी का वो थोड़ा ऑक्सीजन नहीं मिल रही मछलियों को। उधर फिल्टर प्लांट तो लगा है, पर कमिश्नर साहब ने 2-3 बार कोशिश की है फिल्टर प्लांट सुधर जाए, पर क्या है कि टेंडर भी 2-3 बार हो चुके हैं। अब जो आगे होगा उसके विषय में अपन को जानकारी नहीं है, वो तो अपन को निगम से ही पता पड़ पाएगा। क्या लगता है कि दूषित पानी के कारण नहीं मछली? हाँ, ऐसा लग रहा है कि दूषित पानी हो गया थोड़ा, इसलिए कहूँ मर रही हूँ मछली। गुलौवा तालाब के आसपास बनाया गया वॉकिंग ट्रैक, जिम, चौपाटी और फाउंटेन सब दुर्दशा के शिकार हैं। रखरखाव के अभाव में एक बेहतरीन तालाब उपेक्षित है। विधानसभा चुनाव के पहले जबलपुर में असामाजिक तत्वों और हथियार रखने वाले बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इसके लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 30 से ज्यादा बदमाशों को चाकू और फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले में असामाजिक तत्वों और हथियार लेकर घूमने वाले बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। इस अभियान के तहत अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 30 से अधिक चाकूबाजों और फायर आर्म्स लेकर घूम रहे बदमाशों को दबोचा है। इनसे पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 2 कट्टे, 4 कारतूस, चाकू, बम और तलवार जैसे अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों में कुछ फरार अपराधी भी शामिल हैं। एसपीटी के विद्यार्थी ने बताया कि बीते 24 घंटों में फायर आर्म्स और चाकूबाजों को दबोचा गया है। देखते हुए लगातार एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ जबलपुर पुलिस की ड्राइव जारी है। पिछले 24 घंटों से अधिक की अवधि में 30 से ज़्यादा चाकूबाज और 4 लोग फायर आर्म के साथ पकड़े गए और इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के विभिन्न सेक्शंस के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई। पुलिस ने आर्म्स के साथ पकड़े गए बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अवैध हथियारों के संबंध में जांच शुरू कर दी है।
शहर के अलग अलग स्थानों से दोपहिया वाहनों और मंदिरों में चोरी की वारदातें घटित कर रहे चार शातिर चोरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना सिविल लाइन और थाना संजीवनी नगर पुलिस की टीम के साथ गिरफ्तार किया। इनसे अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी हुए दोपहिया वाहन और संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में मंदिरों में हुई चोरी की दो वारदातों का खुलासा करते हुए बरामदगी की गई है। क्राइम ब्रांच और संजीवनी नगर व सिविल लाइन थाने की अलग अलग टीमों ने दोपहिया वाहनों और मंदिरों से चोरी करने वाले चार शातिर चोरों रांझी निवासी सूरज उर्फ सनी, रांझी निवासी हिमांशु गुप्ता, सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले संदीप उर्फ गोलू को दोपहिया वाहनों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। इनसे अलग थाना क्षेत्रों में चोरी हुए चार दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही संजीवनी नगर पुलिस द्वारा धनवंतरी नगर परसवाड़ा में रहने वाले आनंद उर्फ छोटू पटेल को गिरफ्तार कर थाना क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा किया है। इससे चोरी का माल भी बरामद किया गया है। क्रमशः सूरज गोस्वामी, हिमांशु गुप्ता और संदीप केवट, इनको गिरफ्तार किया गया और इनसे चार मोटरसाइकिल जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में चार वाहन चोरी हुए थे वो जब्त किए गए हैं। और इसके साथ साथ संजीव नगर में दो मंदिर चोरियाँ, शनि मंदिर में चोरी और राधा कृष्ण मंदिर में चोरी, जो कि ये टारगेट करते थे आपके दान पेटियों को, दान पेटियाँ उठा के ले जाते थे, उन सभी को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।